with reference to the record keeping another important aspect which need to be talked about is retention of records the psychologists strive to be aware of the applicable laws and regulation and to retain the records for the period required by the legal regulatory institutional and ethical requirements so it's not just marrying the preparation of a record

फाइल में इंसर्ट कर रहे हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं बाई सइंग दैट इट मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट्स हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए डे डायरी के साथ होने चाहिए उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो अप्रोप्रिएट मैनर में रेगुलेटरी uh, तौर पर लिखी हुई जानी चाहिए ऐसा ना हो कि उन रिकॉर्ड्स को जब हम एक्सेस करें फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न तो उनको पढ़ने के बाद समझ ही ना आए कि इन रिकॉर्ड्स के अंदर कौन से प्रोसेस की बात हो रही है कौन सी डेट के ऊपर किस क्लाइंट के साथ क्या डीलिंग की जा रही है रादर देन कि हम उसको एक हॉचपॉश डॉक्यूमेंट बनाएं उसको एक सिस्टमैटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकली साउंड मेथड के तौर पर फाइल के अंदर डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द साइकोलॉजिस्ट टू रिटेन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पेसिफिक नेचर क्वालिटी एंड रैशनल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर अब सारे एस्पेक्ट्स को जहन में रखना ज़रूरी है अगर लीगल कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना हो तो कुछ चीज़ें जो हैं उनके लिए लीगल डॉक्यूमेंट एक ख़ास तरह से बनते हैं जहाँ पर हमने सिर्फ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को देखना है कि वहाँ पर हमारे पास डेट हो क्लाइंट के इनिशियल्स दिए हों उसका पूरा नाम ना दिया हो उसका कंप्लीट एड्रेस हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन ना हो कि सिर्फ एक जगह पर सिस्टम में सेव हो बाकी उसकी कोडिंग दी हुई हो उसका फेक एड्रेस हो उसकी सारी चीज़ें इस तरीके से प्रोड्यूस ना की गई हों कि देखते ही किसी को पता चल जाए कि ये कौन सा क्लाइंट है तो प्रॉपर लेबलिंग और कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है जब हम एक सिस्टम में फाइल्स को मेनटेन करते हैं द रिटेंशन ऑफ द रिकॉर्ड इज़ ऑल्सो गुड फॉर सोसाइटीज इंटरेस्ट इन अ फेयर एंड इफेक्टिव लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वैन रिकॉर्ड्स आर सू टू एलिमिनेट लीगल इशूज अब एट टाइम्स ऐसा होता है कि किसी लीगल प्रोसीडिंग्स में ये प्रूव होता है कि एक कपल का कोई मैरिटल डिसकोट है और उसमें से एक इंडिविजुअल जो है उसको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं अब अगर किसी रिकॉर्ड से ये ट्रेस किया जा सके कि उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज की नेचर क्या है वो कितना मनीपोलेटि इंडिविजुअल है वो कितना ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट वर्दी है कितना ट्रस्ट नहीं है या वो किसी तरह की आ, आ, अच्छी या बुरी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है तो उसका पास रिकॉर्ड क्या है वहाँ से बहुत अच्छी एक हेल्प मिल सकती है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और वो कोर्ट को एक लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है टू मेंटेनिंग कि इन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मेरिटल डिसकोट है उसको किस तरह से सेटल किया जाएगा तो इस तरह के सनारियोज़ के लिए जब लीगल या आ, कोई डॉक्यूमेंट की हेल्प ली जाती है रिकॉर्ड्स में से तो अगर वेल well मेंटेन नहीं होंगे तो वो कोर्ट को या लॉ को कोई फ़ायदा नहीं दे सकें

उसकी मेंटल स्टेट क्या है बट इफ़ दे वुड बी नो सच रैकडिसट अटन परसन हैज बीन गोइंग थ्रू समल इलनेस इन लाइक लाइक मुकदम एंड मैनीट कुचर सो फार किस तरीके से रिकॉर्ड्स की हेल्प से हम एक फैमिली को प्रोटेक्शन दे सकते हैं एक फैमिली को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं

लेट्स से अगर मैं जनरल ओपिनियन लोगों से पूछती हूँ कि आपका ट्रेन में ट्रैवल करने का uh, कैसा एक्सपीरियंस है या आप उसकी तरफ क्या ओपिनियन रखते हैं या क्या राय रखते हैं तो मे बी पीपल विल गिव मी अ मिक्स काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन लेकिन अगर एक ऐसी मॉर्निंग में उनसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ जिस दिन रात को ही ट्रेन में कोई ब्लास्ट हुआ है या ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हुआ है एंड देन आई आस्क दैट हाउ डू यू हैव एन ओपिनियन अबाउट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन माइट बी उस वक्त मेरा ये पूछना इस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक डिफरेंट सिनेरियो या एक डिफरेंट आंसर प्रोड्यूस करेगा सो so, इसी तरह जब हम रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो क्लाइंट के एक्शन उसके रिएक्शन उसके वो बैटम्स जो हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज दिस कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स द कंटेंट ऑफ दोस वो हमारे रिकॉर्ड्स के कंटेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं इट प्रोटेक्ट्स द क्लाइंट्स फ्रॉम मिसयूज और मिस इंटरप्रटेशन ऑफ दोज डेटा इन द वे दैट कुड क्रिएट prejudice और हार्म टूवर्ड्स द क्लाइंट अगर एक इंडिविजुअल किसी जैन रीज़न से एंगर का इजहार करता है और उसका कोई वरबैटम कोट किया जाता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन अगर वो वही एंगर या वही रेज एक जेनअल टूवर्ड्स कम्यूनिटी शो कर रहा है तो उसका कॉन्टेक्सट जो है वो डिफरेंट होगा एंड दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड इन अ वेरी एम्पल वे ताकि हम जब उसे रिप्रोड्यूस करें तो एक सही मीनिंग प्रोवाइड कर सके

प्रिजर्विंग द कॉन्टेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड प्रोटेक्ट द कलाइंट फ्राम दिसयूज और मिस इंटरप्रटेशन ऑफ दोज डाटा इन अ वेट कुड प्रेजुडस हार्म द कलाइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टेंड द वेरी परपज ऑफ डूइंग दिसविटी इज टू प्रोटेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द सेफ गार्ड क्लाइंट एंड वेल एज दस्ट क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो एनी ऑफ द डाटा कुड भी प्रोड्यूसडी ऑफ द टाइम विदाउट है any context and it could be easily prejudged.